क्योंकि हॉस्पिटल में मेरे से ना बोलने के लिए भी अलाउड नहीं किया है, कम बोलना बोला है, और सर में ना बहुत ज़्यादा चोट लगी है तो सर में जोर पड़ रहा है। अभी हम डॉक्टर साहब का वेट कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे दिन के 1 बज गए हैं और अभी कविता को भी लग गई है भूख, तो मैं उसको थोड़ा सा पिलाता हूँ जूस। ये रहा देवांश, और देवांश के साथ इसमें बैठी है उसकी दादी, और मेरे से बोल रहा है ना कि पापा मैं खड़ा नहीं हो पाऊंगा पैरों पे। मैंने कहा बेटा हो जाएगा, अभी तू कमज़ोर है ना, जैसे जैसे तू खाना वाना खाएगा तू अच्छे से खड़े हो जाएगा और दोबारा से कराटे जाएगा। तो दोस्तों आज है हॉस्पिटल का दूसरा दिन और मैं भी आ गई हूँ कविता के लिए और दक्षु के लिए खाना लेके। तो दक्षु को अभी अभी आईसीयू से वार्ड में शिफ्ट कर दिए हैं, तो यहाँ पर रहा दक्षी। दक्षी ठीक है बाबू, अब ठीक है? दर्द हो रहा? ओ दर्द हो रहा? ने खाना खाया ना? कैसा हो रहा था खाना? अच्छा अच्छा हो रहा था ना? जल्दी ठीक हो जाएगा, ठीक है, फिर घर ले जाएंगे ना। देखो तो दोस्तों ये घटना मैंने आपके साथ शेयर की थी, इसके बारे में आपको डिटेल से बाद में बताएंगे। थोड़ा बहुत जितना भी हो सक रहा है मैं बना रही हूँ, इस बीच जो भी हमारे साथ हो रहा है टाइम भी नहीं मिल पा रहा है, इतनी हपड़ तपड़ हो गई थी इस बीच मैंने कुछ भी नहीं बना पाई। बहुत हमारे साथ ये बहुत दर्दनाक घटना थी। ये है कि भगवान की कृपा और आप लोगों की दुआ से सब ठीक है, दोनों जने सही सलामत अब हमारे पास हैं। और दक्षी भी आ गया यहाँ से आईसीयू से बाहर, इसकी ज़्यादा चिंता हो रही थी कि ये अंदर ही है आईसीयू में क्या होगा क्या नहीं होगा करके, पर इसकी भी रिपोर्ट अब सब नॉर्मल है। अब जल्दी हम इसको घर ले जाएंगे, इसको भी और कविता को भी, दोनों को। दक्षु और कविता को खाना खिलाने के बाद मैं भी जाने लगी हूँ घर को, घर में भी बच्चे हैं तो मैं जाती हूँ घर को, काबी को लेके जा रही हूँ मैं अपने साथ में, और दक्षु हमारा सो गया खाना खा के प्यारी सी नींद में। चलो मैं भी जाती हूँ घर को और कविता से भी बोलती हूँ कि जाती हूँ घर को, वो भी सो गई होगी, देखती हूँ क्या कर रही हो। चलो काबी चलो, अब हाथ पकड़ो, हाथ पकड़ो ताई का, और ये ना मेरा पुछड़ा नहीं छोड़ रही है, मैं सुबह 4 बजे उठ जा रही हूँ तो मेरे पीछे पीछे उठ जा रही है। ताई मैं उठ गई, काबी कैसा लग रहा ताई की छात? अच्छा लग रहा, ठीक है जल्दी आ जाएगी ना मम्मा घर। ठीक नींद आ रही, चलो मैं भी चलती हूँ घर को। दर्द हो रहा सर में? दर्द हो रहा? चलो आराम करो फिर, मैं भी जाती हूँ। हाँ तो यहाँ पे खाना खिला के मैं भी जाने लगी हूँ घर को, तो यहाँ पे कविता भी सो गई है और दक्षु भी सो गया है, और इनको दर्द हो रहा है ना, तो अभी अभी आएगी नर्स फिर लगाएगी इंजेक्शन, ठीक है मैं भी जाती हूँ। हाँ और ईजा भी बैठी है, ईजा दिन भर बैठी है और अब रात को भी ऐसे ही होता है लड़कियों का ना। यह है कि हमारे साथ जो घटना घटी है वो अब अच्छे से सब कुछ सही हो गया भगवान की कृपा से, और आप लोगों की दुआ से सब सही सलामत है और हमारे साथ घर जाएंगे। फिर से देखने को मिलेगी आपको देवरानी और जेठानी की जोड़ी। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा होगा कि मेरी वाइफ का और मेरे बेटे का एक्सीडेंट हुआ था, तो आज भी अभी वो हॉस्पिटल में है, तो आप लोगों के प्यार और सहयोग से और भगवान की कृपा से मेरे वाइफ और मेरा बेटा अभी खतरे से बाहर हैं और दोनों ठीक हैं। और आज की वीडियो बनाने का मेन कारण यही है कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि इस समय कविता कैसी है, मेरा बेटा कैसा है। आप लोग हमारे बारे में इतने अच्छे कमेंट करते हैं, बोलते हैं, हमारी चिंता करते हैं, इसलिए हमने सोचा कि हम अपने ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि सुख और दुख तो ना सभी के साथ लगा रहता है। अगर अभी हम अपने सुख आपके साथ शेयर करते हैं, हम आपको बताते हैं कि आज हमने ये किया, आज हमने वो किया, आज हमारे साथ ऐसा हुआ, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि अपने दुख के टाइम भी हम आपको बताएं कि हम कैसी कैसी मुसीबत में हैं और क्या क्या हमारे साथ हो रहा है। तो आज का ब्लॉग बनाने का मकसद यही था, और अभी मैं आपको मिलाऊँगा कविता से।
तो दोस्तों मैं वार्ड में ही था, तो इतने में ना पूजा भी आ गई है, क्योंकि पूजा गई थी सिटी स्कैन करवाने के लिए और उसके साथ गए थे मम्मी और साथ में गए थे डॉक्टर या वार्ड बॉय जो होते हैं वो लोग गए हुए थे, तो वो उसको लेके आ गए हैं। उसके आने के बाद मैंने उसको यहाँ पे लेटा दिया है। और ये सामने रही आपकी पूजा, पूजा उत्तराखंडी ब्लॉक, पूजा रावत। कैसे हो? ठीक हो? कैसे हुआ? ठीक हो? अब थोड़ा ठीक हो? ठीक हो पक्का? सब लोग पूछ रहे थे ब्लॉग में कैसे हो, क्या हो, कैसी तबीयत है। इसके बारे में जब घर चले जाएंगे ना तब अच्छे से बताएंगे, क्योंकि हॉस्पिटल में से ना बोलने के लिए भी अलाउड नहीं किया है, कम बोलना बोला है। और सर में ना बहुत ज़्यादा चोट लगी है तो सर में जोर पड़ रहा है। मत बोलो इसलिए। तो यहाँ पे ना पूजा के सर में लगी है काफ़ी चोट, और अच्छा ये हुआ कि इसके सर में जो चोट लगी है ना वो हुई है, खुली चोट लगी है, यानी टांके आए हैं 12 से 14 इसके सिर में टांके आए हुए हैं। बाकी यहाँ चोट लगी है, कमर में चोट लगी हुई है, हाथों में चोट लगी हुई है, तो चोट ना काफ़ी लगी हुई है, ये पूरे हाथ में चोट लगी हुई है। इतना ख़तरनाक वाला एक्सीडेंट हुआ ना, क्योंकि मैंने वो वीडियो देखी ना बाद में, और वो वीडियो देख के ना इतनी ज़्यादा डर लग रही थी क्योंकि बच कैसे गए। आप लोगों के प्यार से और भगवान की कृपा से आज मेरे बेटा और मेरी वाइफ दोनों ठीक हैं। अभी तो टाइम लगेगा ना, क्योंकि अभी तो गिरे हुए हैं और इससे तो उनको बहुत कमजोरी आ रही है, अभी थोड़ा टाइम लगेगा। धीरे धीरे जैसे रिकवर हो जाएंगे ना तो वे खुद आपके साथ में आएंगे। अभी कुछ स्थिति ऐसी है, कविता के बैक साइड में यहाँ पे लगी है चोट, काफ़ी चोट लगी है। और अच्छा ये है कि खुली चोट है तो घाव दिख गया, बंद चोट होती तो दिक्कत आती। तो कविता की हालत कुछ इस तरीके की है। अब आगे जाके मैं आपको मिलाऊँगा देवान से। और हाँ, मुझे ना बिल्कुल भी ब्लॉग बनाना नहीं आता है, बिल्कुल भी नहीं आता है। वो तो ये है कि आप लोगों को एक सूचना देनी भी ज़रूरी है कि क्या हो रहा है आजकल, कैसा स्वास्थ्य है, क्या है, इसी वजह से मुझे ब्लॉग कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी ब्लॉग बोलना ही नहीं आता है। मैं इसको बता दूंगा कि ऐसा ऐसा बोल, ऐसा ऐसा बोल, लेकिन जब कैमरा मेरे पास आता है ना तो मुझे कुछ भी नहीं आता है। ये ब्लॉग नहीं है, केवल आपको सूचित करने के लिए खाली एक बना रहे हैं कि आपको पता होना चाहिए कि अभी स्थिति कैसी है। तो आगे जाके मैं आपको मिलाऊँगा देवान से। अभी हम डॉक्टर साहब का वेट कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे दिन के 1 बज गए हैं और अभी कविता को भी लग गई है भूख, तो मैं उसको थोड़ा सा पिलाता हूँ जूस और उसके बाद आपको मिलाऊँगा देवांश से, और देवांश को भी पिलाता हूँ जूस। जूस पिला देता हूँ। अभी ना ये रोटी भी नहीं खा पा रही है क्योंकि ना इसके सिर पे खुली चोट है, जैसे रोटी चबा रही है ना तो इसके सर में ज़्यादा दर्द हो रहा है, और होनी होती है ना, क्योंकि उससे पहले आपने कल के ब्लॉग में देखा ना, ये आराम से पूरा इसने ब्लॉग बनाया, अच्छे से ब्लॉग बनाया, सब कुछ अच्छे से, अच्छे मन से ब्लॉग बनाया, ब्लॉग बना रही थी, वो अचानक बेटे को लेके गई और हो गया कांड। और ये 2 दिन ना हमारे लिए बहुत मुश्किल से भरे रहे, बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई, बहुत परेशानी हुई। तो उस समय हम आपको बताना नहीं चाह रहे थे क्योंकि हम सोचते हैं हमारे साथ आप लोग भी परेशान होते, कैसी है क्या है। आज हल्की से थोड़ा रिकवर है तो इसलिए आपको पूरी डिटेल दिखाएंगे कि कैसे क्या हो रहा है अभी हमारे साथ। अब चलते हैं देवांश के वार्ड में और आपको मिलाता हूँ देवांश से और दिखाता हूँ वो कैसा है इस समय। इस वार्ड में है पूजा और सामने के वार्ड में है देवांश, तो आप चलते हैं देवांश से मिलाते हैं आपको। ये रहा देवांश, और देवांश के साथ इसमें बैठी है उसकी दादी। तो दोस्तों यहाँ पर मम्मी बैठी है, आजकल हम लोगों की ड्यूटी लगी है ना, दिन भर मम्मी बैठती है, शाम को दूसरी वाली मम्मी बैठती है, आजकल इन लोगों की ड्यूटी लगी है। और अब मैं मिलाता हूँ आपको देवांश से। ये रहा दक्षु। ये तो यहाँ पे ना देवांश को काफ़ी ज़्यादा चोट आई है, देवांश के सिर पर लगी थी चोट, तो ये सब इसको चोट आई हुई है। ये पूरा 2 दिन आईसीयू में रहा और उसके बाद कल शाम को ये वहाँ से डिस्चार्ज हुआ है। इसकी जो चोट आई थी ना वो इसके सिर पे चोट आई थी, अगर खुली चोट आती तो टाँके वाँके से सही हो जाता और पता चल जाता कितनी चोट आई है, लेकिन इसके बंद गुम चोट आई थी तो डॉक्टर ने इसका सिटी स्कैन कराया, उसके बाद फिर अगले दिन फिर सिटी स्कैन कराया, उसके बाद इसका एक्सरे कराया। ये सब चीज़ें इसकी हो चुकी हैं और रिपोर्ट इसकी अभी नॉर्मल आई है, लेकिन इसको इस समय ना बहुत ज़्यादा कमजोरी है, ये बिल्कुल भी नहीं हिल पा रहा है, मतलब ये उठ रहा है ना तो बिना सपोर्ट के नहीं उठ पा रहा है क्योंकि इसको बहुत कमजोरी आ रही है अभी। बोला
और मेरे से बोल रहा है ना कि पापा मैं खड़ा नहीं हो पाऊँगा पैरों पे। मैंने कहा बेटा हो जाएगा, अभी तू कमज़ोर है ना, जैसे जैसे तू खाना वाना खाएगा तू अच्छे से खड़े हो जाएगा और दोबारा से कराटे जाएगा ना बेटा ना। तो भगवान की कृपा से ना इसके बैक साइड चोट नहीं लगी, इसके चोट आगे से लगी थी। और ये जिस समय इसके चोट लगी ना उसमें ये तुरंत बेहोश हो गया था। और बेहोश होने के बाद इसको 16 घंटे में इसको होश आया, ये तब तक बेहोश था। चक्षु अब सही है बेटा, ठीक है, कुछ खाना है, खाना है, मुँह से बोलो ना? नहीं खाना है, चले जाएंगे घर। हाँ, और ये मेरे से बार बार बोल रहा है ना कि मुझे घर जाना है, घर जाना है, घर जाना है। इसको अपनी बहन की याद आ रही है, अपने दादा की याद आ रही है, आ रही है। अभी चले जाएंगे थोड़ी देर में, ठीक है। दोस्तों से बोल दो आप मैं ठीक हूँ, आप चिंता मत करना, बोल दो। तो मैं ठीक बोल दो, नहीं बोलना है कोई बात नहीं, आप आराम करो, ठीक है, अच्छे से आराम करो। हाँ, तो आज की वीडियो बनाने का ना कारण यही था कि आपको भी बताएं कि अभी हमारे बच्चे कैसे हैं और इस समय क्या स्थिति है। तो अभी डॉक्टर साहब आने वाले हैं और वो बताएंगे कि कैसा कैसा इनका स्वास्थ्य है और आगे कैसी कैसी दवाइयाँ चलानी है और वो कब तक डिस्चार्ज हमें यहाँ से करेंगे, वो डॉक्टर साहब के आने के बाद ही पता चलेगा। और जब से मम्मी को पता चला ना कि बच्चों की तबीयत खराब हुई है, मम्मी रोने में ही है। मम्मी जब आई थी तब भी रो रही थी, अभी भी रोने में ही है। ये हमारे कुछ अच्छे कर्म होंगे ना जिससे कि आज बच्चे सही सलामत हैं। और आने वाले टाइम में ना आपको 2-4 दिनों में आपको वो वीडियो शेयर करूंगा जिसमें ये लोग, इन लोगों का एक्सीडेंट हुआ और ये लोग गिरे हैं, और आप भी ये देखेंगे ना कि ये लोग कैसे गिरे हैं तो आप भी डर जाएंगे, ये बहुत गलत तरीके से गिरे हैं। कुछ खाना है? हुँ? कुछ खाना है, पानी पीना है? नीनू आ रही है? हुँ? नीनू आ रही है, चल सो जाओ। अपना यहाँ पे थोड़ा देवांश को भी थोड़ा जूस दे देता हूँ, थोड़ा ताकत तो उसको आएगी। हल्का सा उसको जूस देते हैं क्योंकि डॉक्टर साहब ने इसको भी रोटी खाने के लिए मना किया हुआ है, क्योंकि ये चबाएगा ना तो उसके सर में जोर पड़ेगा, इसलिए अभी कहा है कि लिक्विड वाली चीज़, जूस, दलिया, ये सब चीज़ें इसको पिलानी है। किसको क्या बताना कि कब क्या हो जाए, उससे पहले ही नहीं, आपने वीडियो में देखा होगा, पिछली वीडियो में ये खेल रहा था, इनकी हंसी मजाक चल रही थी। और आधे घंटे में ना इसके ना अभी भी यहाँ पे सॉइलिंग है, पूरी सॉइलिंग है, पूरा नीला पड़ा हुआ है। अब धीरे धीरे जैसे जैसे दवाइयाँ खाएगा ना तो ये रिकवर करेगा। और पता है इसके हाथ में, ये देखिए इसके हाथ में इतनी ज़्यादा चोट आई है, ये चोट आई है, इसके यहाँ पर भी चोट आई है, ये इसके यहाँ पे भी चोट आई है, और इसके यहाँ पाँव में चोट आई है, इसके यहाँ कमर में चोट आई है, ये कमर में चोट आई है।